हम जो पर्स बना रहे हैं उसके लिए मुझे शुरू में मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बस इस तरह से आपने धागा लपेटा उंगली पर, और ये जो छोटा सिरा है इसको बाहर रखेंगे, नीचे से पकड़ लेंगे इसको, और ये यहाँ से एक लूप बनाएंगे। इस लूप को यहीं पे टाइट कर देंगे इस तरह से। ये आपकी मैजिक रिंग है, ये ओपन भी होएगी क्लोज भी होएगी। इसको एक चेन लेंगे और 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 7 नहीं 8। तो इसमें थोड़ा सा ये परेशानी होती है, चेन को सिंगल क्रोशिया नहीं मानती इसमें मैं, हर प्रोजेक्ट का अलग होता है। आठ सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम, धागा नहीं छूटना चाहिए, छूट गया है तो उसको खोल कर वापस ठीक करिए। कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरे 8। ये होकर फिर अब ये जो छोटा धागा है इसको हम खींच कर गोला बना देंगे। ये देखिए यहाँ बीच में आपको बिल्कुल भी छेद नहीं आएगा। मैजिक रिंग का बस इतना ही उपयोग है, वरना तो चेन लेके गोला बना के भी हम ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्लिप स्टिच की मदद से पहले डबल क्रोशे के बाजू में हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से। अब एक चेन लेंगे और हर सिंगल क्रोशे पे हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। इस तरह से हमारे पास 16 सिंगल क्रोशे होना चाहिए, 2 हर सिंगल क्रोशे पे, 2 सिंगल क्रोशे। छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, 16, जस्ट डबल। फिर स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ देंगे, देन एक चेन लेंगे और अब की बार हम पहले में तो 2 डालेंगे सिंगल क्रोशे, 1 और 2, उसके बाद अगले में 1 डालेंगे, फिर उसके अगले में 2। कुल मिला के हमारे पास 24, 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे इस रो के अंत में। इस तरह से अगली रो जब हम करेंगे तो हम एक सिंगल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे और उसके बाद 2, सॉरी डबल क्रोशे नहीं बोलना चाहिए मुझे, सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे प्लेन, फिर उसके अगली रो में 3 सिंगल क्रोशे प्लेन और 2 सिंगल क्रोशे अगली सिंगल क्रोशे में डालेंगे। कुल मिला के कहना मैं चाहती हूँ कि हर बार इस तरह से भी बढ़ेगा, 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता जाएगा। और एंड में मैंने ये बना के आपके लिए रखा हुआ है, आखिर में जाके हम 9 सिंगल क्रोशे बीच में रखेंगे और 10वां पे हम 2 सिंगल क्रोशे एक ही उसमें डालेंगे। इस तरह से मेरे पास 80 सिंगल क्रोशे का ये बन गया है पैटर्न। इस पर मैंने 80 डबल क्रोशे डाले हैं। इस डबल क्रोशे डालने वाली रो में मैंने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है, सिर्फ हर एक सिंगल क्रोशे में 1 डबल क्रोशा डाला है। अब हम इस पर डिजाइन देखेंगे। 3 चेन लेंगे
और बैक पोस्ट पे, बैक पोस्ट मतलब हुक को पीछे से लाकर, ये डंडी के पीछे से लाकर डंडी में से एक लूप लेंगे और उसको डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक और में इसी तरह से डंडी के पीछे से हुक लेकर उसको बैक पोस्ट बोलते हैं इसको। अगले दो में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो इसमें इस तरह से डंडी क्रोशे के ऊपर रहेगी और लूप लेंगे। फिर से देखिए, डंडी क्रोशे के ऊपर है और लूप निकालना है। फिर यहाँ पर डंडी पीछे लेंगे और इस तरह से लूप बनाएंगे, दो बार ऐसे और दो बार वैसे। फिर इसके अगले रो में जब आएंगे तो हम ये जो बैक पोस्ट है इनको फ्रंट पोस्ट कर देंगे, इस तरह से उठा देंगे और इसको बैक पोस्ट करेंगे फ्रंट वाले को। तो इस तरह से आपका चेक्स बन जाएगा, चेक्स का पैटर्न बनेगा। मैं ये आपको थोड़ा बड़ा करके और बताती हूँ। ये देखिए, मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। आखिर में मुझे दो फ्रंट पोस्ट लेना है, दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये वाले पैटर्न में आप जब कभी ये डालें चेन, तो ये ध्यान रखें कि आपके पास चार से डिवाइड होने वाली चेन होना चाहिए। जैसे 80 मुझे 4 से आराम से डिवाइड हो गई, 84 हो सकता है, 82 मत लीजिएगा। ये यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देते हैं। अब यहाँ तीन चेन लिया और इसमें अब हम फ्रंट बैक पोस्ट था ये हमारा, अब हम इसको फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। और ये वाले जो फ्रंट पोस्ट थे इनको बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से। हमारे पास एक चेक्स का डिज़ाइन बनेगा, जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बन जाएगा अभी। दो लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा सुंदर डिज़ाइन बन रहा है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि जब कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो उस प्रोजेक्ट को पहले पूरा देखें, वीडियो को, उसके बाद फिर आप उसको शुरू करें। वीडियो देखते हुए करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, पर पहले पूरा देखें ताकि जो प्रोजेक्ट आपका बन रहा है वो आपको पूरा दिमाग में रहे। यहाँ पर हमने बैक पोस्ट को फ्रंट पोस्ट कर दिया, फिर से इसको बैक पोस्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कैसा बना। मेरे ख्याल से आपको चेक्स दिख रहे होंगे, ये बीच में लाइन आई है और इस तरह से चेक्स ये बनेंगे, छोटे छोटे से चेक्स बनेंगे। ये देखिए, मैंने ये तैयार कर लिया है, पोटली बैग का पूरा तैयार हो गया है। ये करीब करीब 6 इंच ऊपर आ रहा है, यहाँ से लगभग गोलाई लगभग 4.25 इंच आ रही है, और ऐसे देखेंगे तो विड्थ इसका आ रहा है 8 इंच, लगभग 16 इंच पूरा गोल होगा। जब हम अस्तर लेंगे तो हमें 4 इंच का गोला बनाना पड़ेगा, नीचे 16 इंच इसके ऊपर, तो 16 के बजाय आप 17 इंच लीजिएगा अस्तर का कपड़ा, और यहाँ से आप 7 इंच बाय 17 इंच का एक कपड़ा लीजिए और 4 इंच की गोलाई का गोल पीस लीजिएगा। मेरे पास अस्तर के लिए एक कपड़ा था और साथ में ये कैनवास था, इसकी वजह से मैंने ये कड़क रहेगा, इसलिए मैंने कैनवास का उपयोग किया। ये देखिए इस तरह से, ये अंदर का अस्तर दिख रहा है आपको, इस तरह से तैयार कर लिया मैंने।
अब इसको हम इसमें डालेंगे। इस तरह से अच्छे से बिठा दीजिएगा और जो भी हिस्सा हमारा बच रहा है उसको अंदर फोल्ड करते हुए हम ये छेद वाला जो हिस्सा है ऊपर जो मैंने बॉर्डर में एक छेद वाला डाला है उसको छोड़कर उसके नीचे उतना फोल्ड करके हम इसको स्टिच कर देंगे। ये स्टिच हमको हाथ से ही करना पड़ेगा तुरपाई की मदद से। मेरे शहर में अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें तो ला नहीं सकी, घर में अवेलेबल जो चीज़ें थी उनसे मैं ये प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह से कुछ क्रिएटिव कीजिए तो आपका टाइम भी पास होगा और कुछ प्रोडक्ट बन भी जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी सभी दूर लॉकडाउन चल रहा है इस तरह से। ये देखिए पर्स में लगाने के लिए अगर चेन हमारे पास नहीं है और पुराने कपड़े में कोई चेन लगी है तो आप वो निकाल कर उसका उपयोग कर लीजिएगा। ये इस तरह से पूरा सिलते जाएंगे, तुरपाई की मदद से करेंगे तो बाहर भी हमारे टाके कम दिखेंगे और मजबूत होगा। देखिए बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ बीच में हम यहाँ डोरी डालेंगे। डोरी डालने के लिए पहले हम डोरी बनाएंगे। पोटली बैग में डोरी दो डलती है, दोनों तरफ से डलेगी। इसके लिए मैंने पतली डोरी बनाई है सिंपल चेन। ये देखिए ऐसी मैंने 105 चेन एक डोरी में ली है। इस तरह से ये मैं आपको बनी हुई बता देती हूँ। ये देखिए ये 105 चेन की एक डोरी बनाई मैंने। वीडियो बंद करके अपना फिनिश भी कर लिया था। ये देखिए फिनिशिंग के बाद आप अस्तर देख लीजिए, पूरा अस्तर लग चुका है और एक डोरी मैंने डाल भी दी है। अब हम दूसरी डोरी डालेंगे तो दूसरी डोरी इसके जस्ट अपोजिट डलेगी। ये जो खाने हैं इसके जस्ट अपोजिट यहाँ से डालेंगे हम। एक सिरा अंदर डाला, दूसरे सिरे दूसरे उस पे से बाहर निकाला। इस तरह से जस्ट अपोजिट हम इस डोरी को डालेंगे। सॉरी इसमें मुझे एक छूट गया बीच में, एक हम डाल चुके हैं इसलिए थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो जाती कभी कभी। ये इस तरह से पिछली बार जो सिंगल क्रोशे ऊपर थे वो इस बार अंदर है और इधर भी जो नीचे थे वो ऊपर आ गए हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए हम फटाफट इस डोरी को डाल लेंगे। दोनों डोरियां 105 चेन की बनाई है मैंने। आप थोड़ी बहुत लंबी छोटी भी बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये आधे में आ गए हम लोग, लेकिन हमको इसके आगे जाना है। दोनों जस्ट अपोजिट रहेंगी। पोटली पेग में इसी बात की खूबी होती है।
हमारा आ गया आखिरी सिरा। ये इधर भी दो है, इधर भी दो है। इन दोनों को हम आपस में गांठ बांध लेंगे। आप गांठ बांध सकते हैं, मोती डाल सकते हैं, फुंदा लगा सकते हैं। यहाँ मैं बाद में फुंदा लगा लूँगी, इस वक्त यहाँ गांठ बांध देंगे इस तरह से दोनों तरफ से। सिंपल गांठ है, कुछ वो नहीं है इसमें विशेष। ये गांठ बन गई, अब बाद में हम उसको फुंदा लगा देंगे और फिनिश कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से खींचने पे ये डोर बैग बंद हो जाता है, और जैसे ही आप बीच में से खींचेंगे ये बैग खुल जाएगा। फिर से देखिए, ये मैंने दोनों सिरे पकड़े, दोनों सिरे पकड़कर इस तरह से बंद कर दिया। अब बीच में से अगर मैं इसको हाथ डालूँगी ये अपने आप खुल जाएगा। ये है आपका पोटली बैग। आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।